हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे राजमा मसाला करी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम राजमा, जिसे मैंने पहले से उबाल लिया है। ये मेरा एक पीस टमाटर है, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये मेरा दो पीस प्याज है, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये मेरा अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये मेरा कुकिंग ऑयल है, एक कटोरा मैंने कुकिंग ऑयल। मसालों में हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आइए अब हम देखते हैं। ये है मेरा एक चम्मच धनिया पाउडर, ये मैंने एक चम्मच नमक ले लिया है, ये मैंने एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, ये मेरा आधा चम्मच हल्दी पाउडर है और ये मेरा आधा चम्मच गरम मसाला है। थोड़ा सा मैंने हींग ऐड किया है। राजमा करी को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने कुछ खड़े मसाले यूज किए हैं, आइए अब हम देखते हैं। ये मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है, ये मेरा काली मिर्च है, ये दो से चार मैंने दालचीनी लिए हैं, ये चार पीस मेरा लौंग है, ये चार पीस मैंने क्रश करके इलायची लिया, हाफ चम्मच कसूरी मेथी है, ये दो तेज पत्ता है और ये थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर है जिसे मैंने। आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेते हैं। इस पे हम कढ़ाई चढ़ा देंगे, कढ़ाई को थोड़ी देर हम गर्म होने देंगे। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। 3 स्पून मैंने ऑयल का यूज किया है। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें खड़े मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले हम जीरा को डाल देते हैं, काली मिर्च को भी डाल दिया इसमें, दालचीनी को भी डाल देते हैं। मैंने सारे खड़े मसाले इसमें डाल दिए हैं, अब इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। खड़े मसाले लाल हो चुके हैं, अभी हम इसमें प्याज का पेस्ट मिला देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। 5 मिनट हो चुके हैं, ये प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। ये मेरा मिर्ची का पाउडर है, स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, ये धनिया का पाउडर है, ये हल्दी का पाउडर है। इन मसालों को हम अच्छे से फ्राई होने देंगे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मसाला मेरा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट मिला देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके इसे भी 5 मिनट तक हम फिर से फ्राई कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। मसाला मेरा फ्राई हो चुका है, इसमें हम राजमा मिक्स कर देते हैं। मैंने एक चुटकी हींग लिया है, ये भी इसी में मिक्स कर लेते हैं। अभी राजमा को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक इनको भी फ्राई होने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं राजमा मसाला मेरा पूरी तरह से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं मसाला राजमा मेरा पूरी तरह से फ्राई हो चुका है, राजमा में से तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको 15 मिनट के लिए पकने देंगे। हम इसको लो फ्लेम पर 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब आप देख सकते हैं मेरा राजमा करी बनके तैयार है। अब जो गरम मसाला और लाल मिर्च और कसूरी मेथी हमने रख लिए थे, उसको भी इसमें मिला देते हैं। ये मेरा गरम मसाला है, ये कसूरी मेथी है, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको भी फिर से पकने देंगे। 1 मिनट हो चुके हैं, अब मेरा राजमा करी पूरी तरह से रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। गैस को बंद कर देंगे। अब इसे सर्व करने के लिए एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना टेस्टी मेरा राजमा करी बना है। इस तरह से बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना है मेरा राजमा करी। राजमा करी बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है, आप इसे राइस या पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। इसका लुक एकदम रेस्टोरेंट की तरह आया। यदि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।